सबसे अच्छी तो कार होती है। अरे नहीं नहीं, कार में वो करंट ही नहीं है जो बाइक में है। प्रेम भी ऐसा ही कहता है, पता है? क्या कहता है प्रेम? प्रेम को ना हम लोग रोमांस स्पेशलिस्ट कहते हैं। पता है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी रोमांटिक नॉवल हो जो प्रेम ने ना पढ़ी हो। कहता है अगर लड़की को अपने करीब लाना हो तो बाइक से अच्छी कोई चीज नहीं है। कैसे? आउच! देखा ना, ऐसे तुम ना दिन पर दिन बदमाश होते जा रहे। देखो भाई, अगर ये बदमाशी बंद करवानी है तो जल्दी से अपनी मम्मी से हमारी शादी की बात कर। लिसन, प्रॉब्लम ना तुम्हारे पापा को है, मेरी खुशी में ही मेरी मम्मी की खुशी है। लगता है डैडी से बात करनी पड़ेगी। Happy birthday, madam. Thank you. Happy birthday, ma'am. Thank you. लीजिए अपने बर्थडे पे मुंह मीठा कीजिए। जतिन, तुम तो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी बीवी अंजना जानती है उसकी स्कूल प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल की कितनी पक्की है। जी, बिल्कुल। तू ही बता, तुम लोग मेरे बर्थडे पे मुझे बधाई देने के लिए आओ और मैं तुम्हारे हाथों से मुंह मीठा करूं? अच्छा लगता है क्या? मुंह मीठा तो मैं करवाऊंगी। बिल्कुल। नीना बेटे। हेलो नीना। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। ये लो मुंह मीठा करो। थैंक यू मैडम। ये लो। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। भगवान करे तुम जिंदगी के हर एग्जाम में फर्स्ट आओ। मैडम बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। तुम तो जानती हो मैं अपने स्टूडेंट से कभी भेंट नहीं लेती। चलो चाय पीते हैं। क्या मामा? जल्दी एक मिनट आइए। मैं बैग लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी प्लीज। आप लोग लीना, ये गोलियां हर 3 घंटे के बाद देती रहना। जी। और मैडम मेरा ख्याल है कि प्रिकॉशन के तौर पर टेस्ट और स्कैनिंग करवा लेनी चाहिए। तो इसके लिए इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा? नो 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 नो, देयर इज नो नीड। सुबह हम आके ले जाएंगे इनको जतिन, ठीक है ना? और शाम तक वापस आ जाएंगे। नीना, बाहर गेस्ट्स वेट कर रहे हैं। मैडम आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और नीना संभालेंगे मेहमानों को। आप मैडम आराम कीजिए, मैंने आपको नींद की गोली दे दी है, नींद आएगी सो जाइएगा। ठीक है। डोंट वरी, आप लोग बाहर आइए। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो विक्की, आज शाम 5 बजे? नहीं विक्की, आज मामा की तबीयत बहुत खराब है, आज नहीं आ सकूंगी, बाय। हेलो हेलो विक्की, विक्की, ये लड़का कभी टाइम पर नहीं आएगा। विक्की कहाँ है? वो अपने कमरे में। बुला के लाओ उसे। जी सर। आई एम सॉरी डैड, मैं जरा फोन पे था। हे भगवान, इस ब्रेड और बटर की जगह मुझे चना खाना मंजूर है, मगर तू मेरे हिटलर फादर के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी दया, थोड़ा सा रहम और थोड़ा सा प्यार भर दे। इनका डर मेरे दिल से निकाल दे। ये क्या हो रहा है? खाने से पहले भगवान का धन्यवाद किया जाता है, कोई महापूजा नहीं जो तुम किए जा रहे हो। जी। आज का पेपर पढ़ा? जी, सरकार गिरने का खतरा टल चुका है। इडियट, तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो, कितनी बार कहा है तुम्हें अपने मतलब की बात जरूर पढ़ा करो। थर्ड पेज पर इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन की एडवर्टाइजमेंट है, पढ़ी तुमने? जी डैडी, वो 20 तारीख को दिल्ली में है। तो तुम्हें ख्याल नहीं आया कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? डैडी मैं सोच रहा था। जब से पैदा हुए हो सोच ही रहे हो, कुछ करो माई सन, कुछ करो।
और सुनो, स्टॉल बुकिंग के लिए मैं आज शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए डैडी? यही कोई 2-3 दिन के लिए, और इस बार स्टॉल पर तुम रहोगे। लेकिन डैडी वो दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली में है। आपको 3 हफ्ते वहां रुकना पड़ेगा। ओके? ओह नो डैडी। हाय विक्की। हाय। हाय प्रेम। चोपड़ा। ओह यस। तुम क्या इसको नया रोमांटिक नुस्खा सिखा रहे थे? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे? मौत बनी थी। आइडिया है क्या? आती क्या खंडाला? ओके ठीक है, झूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। अच्छा ऐश करेंगे। विक्की है घर पर? जी सर। उसे मेरे पास भेजो। अच्छा सर। डैड, डैड आप कब आए दिल्ली से? अभी आया। तुम कहाँ हमारा गद्दी करते रहते हो? मैं तो घर ही पर होता हूँ डैड। शट अप। पिछले 3 दिन से मैं फोन कर रहा था, यहाँ कोई फोन ही नहीं उठाता। कल शाम की फ्लाइट से तुम दिल्ली जा रहे हो? जी।
वहां अस्पताल के सेटअप के सारे अरेंजमेंट में कराया हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के आदमी वहां मौजूद हैं। इनॉग्रेशन के लिए मैं 2 घंटे के लिए वहां आऊंगा, उसके बाद स्टॉल संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके ओके। एग्जीबिशन तो 1 महीने के लिए है ना? हाँ, लेकिन मैंने डैडी को बोल दिया कि मैं 15-20 दिन से ज्यादा नहीं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा बोला आपने? हम जैसा भी बोला बोल तो दिया ना। हाँ, तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ा। हाँ 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 हाँ। देखो नीना, जैसे ही मैं एग्जीबिशन से आऊंगा डैड बहुत खुश होंगे। जी खुशी में बोल दूंगा कि मुझे नीना से शादी करनी है। तब डैड आज शाम को और रोज रात 9 बजे मैं तुम्हें होटल से फोन हेलो। हाय, आई लव यू टू। कल इतनी जल्दी फोन क्यों रख दिया? अरे वो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए थे, उनके सामने ज्यादा बात नहीं कर सका। और हाउ आर यू? बोर हो रही। अच्छा, आते क्या खंडाला? चुप है शर्म। नीना, अच्छा सुनो, मम्मा ने बुलाया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या बात है माँ? ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर जतिन को फोन करूं? कौन बोल रहा है? मैं अंजना बोल रही हूँ। मैडम की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? हाँ, मैंने इसीलिए फोन किया है। ऐसा करो, तुम कल 10 बजे मेरे क्लिनिक में आ जाओ, क्योंकि जतिन अपने सीनियर सर्जन को कंसल्ट करने गए, कल पता चलेगा। अंजना जी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मम्मी कुछ ठीक फील नहीं कर रही हैं। क्या? बस लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और इधर से उधर साइड बदल रही हैं, कह रही कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं जतिन को कांटेक्ट करती हूँ, हम लोग अभी आ रहे हैं। डोंट वरी, बाय। जी रामत मां, डॉक्टर जतिन और अंजना जी अभी आ रहे हैं। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुनने मिली। विकी, मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मामा को दोबारा अटैक आया है। ओह, डोंट टेल मी। डॉक्टर्स कह रहे हैं शी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। डू यू नीड मी? तुम क्या करोगे आकर? डॉक्टर जतिन खुद ही हार्ट स्पेशलिस्ट है और उनकी पूरी टीम बकायदा मामा का चेकअप कर रही है, और अंजना जी तो आज मम्मी के पास ही है, उन्होंने मुझे घर भेजा है। तुम कब आ रहे हो विकी? बस 1 हफ्ते में। अच्छा सुनो,
अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। एंड नाउ यू टेक रेस्ट। ओके। आई लव यू। बाय। बाय। नीना तुम प्रेग्नेंट हो। अब बताओ क्या करना, क्योंकि मैडम को तो तुम जानती हो, अगर उन्हें जरा भी हिंट मिल गया इस बात का तो यू नो समाज में कितनी इज्जत है उनकी। क्या वो लड़का आई मीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड शादी करेगा तुमसे? हाँ, ही लैब्स में और वो कल ही दिल्ली से आ रहा है। ठीक, फिर जितनी जल्दी हो तुम लोग शादी कर लो। थैंक्स अंशा जी। और आज अपने डैडी को बड़े शान से और बड़े रोब से कहूंगा कि डैडी मुझे नीना से शादी करनी है। अगर उन्होंने मना कर दी तो हम सीधा रजिस्टर ऑफ मैरिज के ऑफिस जाएंगे और शादी कर लेंगे। अब तुम घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार करो। और शादी की तारीख नीना, आज इस बाइक का आखिरी दिन है, इसके बाद हम हैप्पीली मैरिड वाली कार में बैठेंगे। ऑफ कोर्स आई एम लकी बिकॉज लक इज विद मी। हाय विकी, कहाँ? हाय प्रेम, मिलता हूँ तुझसे। चमार राजा बेटा, अभी पापा का फोन आएगा, वो हमको घूमने लेके जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हेलो नीना, प्रेम बोल रहा हूँ। हेलो प्रेम, हाउ आर यू? नीना विकी, अरे वो दिल्ली से आ गया है। अरे गुड न्यूज दूं, हम लोग शादी कर रहे हैं। पर नीना विकी तो अपने डैडी को मिलने गया ऑफिस। हाँ शायद वहीं जा रहा था वो। मतलब? नीना उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ नीना, ही इज नो मोर। आई एम सॉरी टू से नीना, ही इज नो मोर, ही इज डेड। Thank you.
क्या बात है, आजकल बहुत खोई खोई सी रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं जानती हूँ तुझे मेरी चिंता है। मेरा कोई भरोसा नहीं है ना। सब मत कहो माँ, रो मत। देख मेरे बाद तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को तेरी ही चिंता लगी रहेगी, इसलिए मैंने अंजना से बात की है। जतिन ने एक लड़का सजेस्ट किया है। नहीं मां, देख जतिन उस लड़के से मुझे मिला देगा, अगर पसंद आए तो शादी कर लेना, और अगर तेरे दिमाग में कोई है तो वो भी मुझे बताना, ठीक है? नहीं अंजना जी, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी माँ से मेरी शादी की बात करना, इट्स अगेंस्ट योर एथिक्स, ये गलत है। नीना जरा ठंडे दिल से सोचो, मैडम को तुम्हारी इस हालत का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, उनकी इज्जत, उनके नाम, क्या होगा उसका? क्या होगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये मेरे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी तुम्हारे लिए है नीना, दुनिया के लिए नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारे प्यार को और इस बच्चे को अपनाने वाला इस दुनिया में नहीं है। नीना, अगर तुमने जल्दी शादी नहीं की तो ये जो तुम्हारे प्यार की निशानी है तुम्हारे लिए बदनामी का जीता जागता सबूत बन जाएगी। क्या सोच रही नीना, यही कि शादी के अलावा दो रास्ते और भी, अबॉर्शन या सुसाइड, यही ना है? लेकिन इससे तुम्हारी मदर की मौत सर्टन है। क्या तुम्हें अपनी माँ प्यारी नहीं है? नहीं है, दिल से, लेकिन मैं जिससे शादी करूंगी अगर उसे ये बात छुपाऊंगी तो ये उसके साथ चीटिंग होगी, धोखा है। ऐसी बातें पूछी नहीं जाती। और बिना पूछे बताना बिल्कुल अकलमंदी नहीं है। नीना, तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है, दैट्स ऑल। फिर कल की गोद में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। यू शुड गो फॉर द बेस्ट। मैंने सचिन के साथ कल शाम 7 बजे का तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट रखा है। सचिन, हम जरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो होके आते हैं। एक्सक्यूज अस फॉर 10 मिनट्स। राइट, ओके। थैंक यू। शादी के लिए माँ की इज्जत इतनी बढ़ गई कि अब मैं और इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर जतिन ने आपके बारे में बताया। क्या क्या बताया? आपकी फैमिली के बारे में, आपकी मदर की हेल्थ के बारे में। I do understand the circumstances. और आपकी शादी को लेकर उनकी जल्दी भी समझ में आती है। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वैसे डॉक्टर अंजना ने आपको बता ही दिया होगा कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है।
वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी जिंदगी में इंसान को हर वो चीज नहीं मिलती जो उसे पसंद है। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। तो मैं डॉक्टर अंजना और जतिन को क्या जवाब दूं कि हम दोनों शादी के लिए राजी हैं? तुम्हें तो बुखार है, मैं भी डॉक्टर को बोला। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बुखार की गोली होगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा एक मिनट, वाह क्या बात है बेटा, नीना को बहुत तेज बुखार है, घर में कोई गोली है क्या? अरे बुखार कैसे हो गया पता नहीं, चलो मैं देखती हूँ। चलो। अरे बेटी क्या हुआ, सचिन कह रहा है तुझे बुखार है। हाय राम, तप रही है। सचिन चलो डॉक्टर को फोन करो। नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी बेटा? सचिन सुनो, पहले शीला से कहो कि पानी में बर्फ डाल के दे, मैं इसके ऊपर पट्टी लगाती हूँ। बेटा क्या हो गया तुझे, आते ही उतर गया। जरा देखो, कमाल है माँ, सबसे बड़ी डॉक्टर तो तुम हो। माँ तुम आराम करो, 4 बज रहे माँ, मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं, आज मैं इसी के पास रहूंगी, तुम जाके मेरे कमरे में सो जाओ। जाओ तुम सो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, सो जाओ। अरे तुम तो उठकर बैठ गए, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ माँ जी। लो चाय ले लो। आपने बनाई मेरे लिए चाय? बीमार बेटी के लिए माँ चाय नहीं बनाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ठीक हूँ, थकावट का बुखार था। अभी तुम पूरी ठीक नहीं हुई हो, खबरदार जो आज बिस्तर से पैर नीचे उतारे, आज दिन भर और रात भर लेटे रहना है,
माँ मतलब क्या तुम्हारा? आज रात भी तुम यहीं सोगी? आज रात? मैं तो और चार रातें यहीं सोऊंगी। कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे क्या एतराज होगा। माँ एक बात कहूँ, इसका बुखार तो उतर गया है लेकिन हो सकता है फिर आ जाए, रिलैप्स हो जाए। क्यों ना किसी स्पेशलिस्ट से इसका चेकअप करवा लें। ठीक? नहीं नहीं मुझे चेकअप की जरूरत नहीं। जरूरत है भाई, जरूरत है। तुम जाओ तैयार हो, मैं भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है सचिन, ठीक कह रहा है। मुझे बहु खुश और स्वस्थ चाहिए। ये तो होता है, डॉक्टर का क्लिनिक क्या है क्या? आज तुम्हारा डॉक्टर मैं। कम ऑन लेट्स मूव। क्यों बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? आज तो चेकअप हो गया माँ, कल फिर बुलाया। अच्छा जाओ बेटा, जाके आराम करो। समझ गई क्या बात है? तू तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां ले आई। तुझे मालूम नहीं बेटा तू मेरे लिए क्या है। तू मेरे लिए इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। माँ जी ये सब आप क्यों कर रही है? बेटी तुम्हारे लिए तो मैं जो भी करूं कमी है। तुम नहीं जानती तुम हमारे लिए क्या हो। तुम्हारी गोद में इस खानदान का नाम लेवा बन रहा है। इतने अच्छे लोग और मैं इन्हें धोखा दे रही हूं। कल को इन्हें पता चला कि बच्चा सचिन का नहीं तो नहीं, मैं सच नहीं छुपा सकती। मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए। नीना क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात है? ये बच्चा बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत होगा, मेरी तरह होशियार होगा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ये बच्चा आपका नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं? तुमने धोखा दिया मुझे, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी मुझसे। I just cannot take this. Get out from here. तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं जाने किसका पाप अपने पेट में ये घूम रहा है। और शांत नहीं, नहीं कह पाऊंगी। हेलो। हाँ हेलो सचिन। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। मैं जतिन बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। सरिता देवी की हालत अचानक खराब हो गई है, शायद इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़े। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ओके अच्छा ठीक है मैं पहुँचता हूँ।
मीना मम्मी की तबीयत आप मुझे बिना बताए चले आए। मैं तुम्हें किसी तरह का शॉक नहीं देना चाहता। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक्स डॉक्टर। अरे थैंक यू मुझे मत बोलो। थैंक यू बोलो सचिन को, इसने तो मम्मी को ब्लड दिया। क्या बात है, मेरे सीने पर एक बोझ है सचिन। बोझ? कैसा बोझ? मैं और विक्की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, सब परियों की कहानी जैसा था। विक्की और मेरी शादी होने वाली थी, वो अपने पापा से मेरी बात करने गया और एक हादसा हो गया और विक्की वापस नहीं आई। सचिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। ये बच्चा आपका नहीं। मैं जानता हूं ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। I am incapable of producing a child. मेरे स्पर्म्स बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें याद है रेस्टोरेंट में मैंने तुमसे अपनी पहली मुलाकात में पूछा था कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? तुमने जवाब दिया था नहीं। तुमसे शादी करने का एक कारण यह भी था। लेकिन अब किसी और का बच्चा? नहीं नहीं, ये बच्चा तो तुम्हारा है। और तुम मेरी हो। तो ये बच्चा किसका है? हम दोनों का। हमारे इस प्यार के रिश्ते का आधार है ये बच्चा।
क्या इस बच्चे को मैं अपना नाम दे सकता हूँ? दिल से कह रही हो ना? दिल से। लेकिन सोचेंगे।